सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन माई YouTube चैनल दैट इज़ बीइंग डॉक्टर लाइफ। मैं आज सभी के सामने एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आई हूँ जो कि है आपके नीट UG 2023 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी जिसमें बहुत सारे पिटिशनर्स ने इसके अगेंस्ट प्ली डाली हुई थी कि नीट UG 2023 की बहुत सारी MBBS की सीट वैकेंसी है और उसको फिल करने के लिए NMC ने पहले मना कर दिया था। उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था कि जितने भी एडमिशन्स होने हैं अप टू 30 सितंबर तक, उसके बाद के जितने भी एडमिशन्स हो रहे थे उसे उन्होंने इनवैलिड मान दिया था, जो कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो पर भी बताया हुआ है। एंड उसके अलावा आज उसकी सुप्रीम कोर्ट के सामने हेयरिंग हुई थी हमारे वकीलों द्वारा। उन्होंने इस पोटिशंस को रखा था उनके सामने जिसमें ये बताया गया कि अभी तक एटलीस्ट 2182 सीट, राउंड ऑफ अगर बात करें तो करीबन 2000 से भी ज़्यादा सीट्स थी जो वैकेंट थी। एंड ऐसे में NMC की तरफ से इसका कैंसिलेशन होना एंड उसके अलावा जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उस तक ये बात जाना, कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जितना सुनने में आया और जो इसका बहुत बड़ा अपडेट मेरे सामने आया है, आप सभी ने आई थिंक जो भी करंट अफेयर्स देखते हैं या करंट वीडियोज़ में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा इसको। तो इसमें ये निष्कर्ष निकल के आया हुआ है कि जो भी NMC ने शेड्यूल को कंडक्ट करवाने का लास्ट में कैंसिलेशन दे दिया था उसे अब वापस से स्टार्ट करवाया जाएगा इसपे स्टे राउंड के तौर पे विद इन 15 डेज के अंदर ही अंदर। तो आप सभी को अब NMC की साइट में जाकर के MCC से या फिर NB.edu.in पे जाकर के अब वहाँ पे अपडेट्स को चेक करते रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ऐसा नोटिस अब बहुत जल्दी जारी होने वाला है। सो मेरा सभी मेडिकोज के साथ में यही एक रिक्वेस्ट है कि अब आप किसी भी फेक कंसल्टेंसी के दौर पे ना आए, प्रॉपर लीगल वे से अपनी करें काउंसलिंग को अटेंड, क्योंकि इस समय अब ये स्टे राउंड जो चलेगा इस समय होगा बहुत ज़्यादा ही पैसों का खेल। मतलब कि सीधी सीधी बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिसके मार्क्स थोड़े बहुत भी मार्जिन तक जा रहे होंगे, उनके चांसेस है ज़्यादा पैसे देकर के सीट ब्लॉकिंग का खेल करवाने का। सो ऑनलाइन अगर ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना बड़ा रेशियो देखने को मिल जाएगा, बट आई एम श्योर जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो हाईएस्ट पेड सीट अपनी बनाएंगी और इसके अलग से अपना फ़ी स्ट्रक्चर दे सकती हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर भी जानने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के लिए आपको ऊपर अकेडमिक्स या कॉन्टैक्ट अस करके मिलता है ऑप्शन, जहाँ पे आपको देखना होगा। एंड उसके अलावा जितना हो सके लीगल वे से आप काउंसलिंग को अटेंड करिए। बहुत सारे लोग NRI कोटा बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। इतना भी मैं आपको बता दूं, IAS तक के एग्जाम में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले को कोई जगह नहीं मिली है, जबकि वो टॉप रैंकर्स में आए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई भी फेक कागजात बनवाते हैं और एनी हाउ अगर आपके वो कागजात कहीं पे वेरीफाई होने चले गए और आप पकड़े गए वहाँ पे, तो आपके जितने पैसे इन फेक कागजात बनाने में लगे हैं वो पैसा डूबेगा। प्लस उसके अलावा जो भी कंसल्टेंसी आपको सपोर्ट दे रही होगी वो वहाँ पे अपना नाम हिडन कर देगी। सो अल्टीमेटली आप ही को ही लॉस होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस समय किसी भी फेक कंसल्टेंसी के ऊपर भरोसा मत करें। ऐसी कंसल्टेंसी जो जिनके आपके फ्रेंड्स ने अच्छी सीट्स ली हैं, जिनके तौर पे उनका एडमिशन साफ वे से सेफ वे से हुआ है, तो आप चाहे तो उनका सपोर्ट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट आई कैन डेफिनेटली से कि इस बार भी सेम वही होने वाला है पैसों का खेल। पैसे जितने जो देगा उसको वो सीट डेफिनेटली मिलने वाली है और बाकी जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे, जिसको अभी तक के किसी भी राउंड पर नहीं मिली है सीट, तो वो इस बार जरूर ही जरूर अपनी लक को आजमाएंगे, क्योंकि वो इस बार भी अच्छे नंबर लेके आए तो डेफिनेटली वो ट्राई पूरी पूरी करेंगे स्पेशलिस्ट राउंड में सीट लेने की। सो आपके पास में बस इतना है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा साइट में और विजिट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। तो सब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत भरा प्यार भरा धन्यवाद, आप सभी का सपोर्ट। आई होप इसी तरीके से बना रहेगा। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का शेयर सभी मेडिकोज को बचा सकता है। ओके, थैंक यू।